हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में पकड़ी नशीली दवाओं की खेप, 6 लाख से अधिक नशीली टैबलेट सहित 384 सिरप बरामद, 2 आरोपियों को भेजा जेल, 2 रिमांड पर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जोधपुर टीम ने पिछले कई दिनों से लगातार मिल रही नशीली टैबलेट के कारोबार की सूचनाओं के आधार पर बड़ी कार्रवाई को जोधपुर में अंजाम दिया है। एनसीबी की टीम को 6 लाख से अधिक प्रतिबंधित टैबलेट और 384 बोतल सिरप बरामद करने में कामयाबी मिली है। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों में से 2 को जेल भेजने के आदेश हुए हैं, जबकि 2 को रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ में कई अहम सुराग मिलने की संभावना है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीमें राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में वैसे तो लगातार सक्रिय है ही, लेकिन राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में जब ब्यूरो की टीम को पता लगा कि कई नौजवान प्रतिबंधित नशीली टैबलेट का बड़ा कारोबार चला रहे हैं, तो ऐसे में कई दिनों से आगे सूचनाएं जुटाने के बाद 24 घंटे में की गई कार्रवाई का नतीजा रहा कि ब्यूरो के अधिकारी उग्मदान और वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनसीबी की टीम को 6 लाख से अधिक प्रतिबंधित टैबलेट और 384 बोतल सिरप बरामद करने में कामयाबी मिली है। आरोपियों से गहन पड़ताल के बाद कुछ और सुराग भी मिलने की बात सामने आ रही है। 4 आरोपियों को एनसीबी की टीम द्वारा महात्मा गांधी अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद आज कोर्ट नंबर 5 में पेश किया गया, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से अधिवक्ता किशन सिंह नाहर ने पैरवी की और न्यायालय ने 2 आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए, जबकि 2 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए अधिवक्ता किशन सिंह नाहर ने बताया कि आज जो 4 आरोपियों को पेश किया गया, उसमें मोहित कुमार और संदीप कुमार को तो न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए, तो वहीं हनुमान व रामेश्वर को 2 दिन का एनसीबी रिमांड दिया गया है। इन दोनों से पूछताछ के बाद फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रतिबंधित कैप्सूल जो कि शेड्यूल 3 के अंदर, एनडीपीएस शेड्यूल 3 के अंदर ये प्रतिबंधित है, जिसके अंदर लाइसेंस लेना था, ये लाइसेंस नहीं थी, और 314.620 ट्रामाडोल टेबलेट और कैप्सूल बरामद किए गए किलोग्राम, जो कि 6,002,300 टैबलेट, और कफ सिरप था 338 बोतल कफ सिरप था, जो 33.800 किलोग्राम। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।